हेलो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस सवाल को। तो ये सवाल हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और एग्जांपल भी देनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दोस रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, तो वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है ना, हीट इवॉल्व होती है, हीट पैदा होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जब मीथेन को जलाया जाता है ऑक्सीजन में, तो क्या होती है, इसमें हीट एनर्जी पैदा होती है जो किसके किसके साथ निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, ठीक है। और आप देखोगे रेस्पिरेशन भी जो होता है, जो हम करते हैं एवरीडे, मैं भी इस वक्त रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, तो हर कोई जीने के लिए तो भाई रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है ना। तो इसमें होता क्या है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो हमने जो खाना खाया होता है उसके साथ होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट होता है ऑक्सीजन की वजह से वो उसका ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी पैदा होती है ग्लूकोज, और ग्लूकोज की वजह से मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर मीथेन को ऑक्सीजन में जलाया गया, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर हीट एनर्जी मिल रही है। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, हीट ट्रैप हो जाती है। जैसे सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं, जो हमने पढ़े हैं इससे पहले थ्योरीज में, वो सब के सब एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि हम किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं तो कैसे करते हैं, उसको जलाते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। और डिकम्पोजिशन हमने ये देखा था कि लाइट की मदद से भी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, सनलाइट पास करवाते हैं, या अब हम उसे आग दे देते हैं, हीट दे देते हैं। तो इन तीनों तरीके से हमने डिकम्पोजिशन को देखा था, ठीक है। टाइप ऑफ मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हैं। तो आप देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट सप्लाई की गई, ठीक है, तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पैदा हुए। और इसके अलावा जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ आया, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ किया, तो ये हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, क्या हुआ, C6H12O6 और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पैदा हुआ। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी याद होगा आपका, ये सनलाइट के मदद में होता है, फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, वो भी क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि सनलाइट उसके अंदर ट्रैप हो जाती है पत्तों के अंदर, और फिर वो वहां से ग्लूकोज तैयार करता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इस वजह से क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, आई होप, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में, और जो बातें नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और ये समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आता भी है या नहीं आता है, ताकि मैं फीडबैक मिलेगा तभी तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है।